हेलो, आ रही है आवाज में? सर आवाज आ रही है। ओके श्योर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इथिकल हैकिंग टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, हैकिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, साइबर लॉ क्या है, उसके बाद करियर कैसा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, हमारा इंडिया के अंदर, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है फॉर दैट। सो लेट्स मूव। ये चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं, करंट सिनेरियो क्या है साइबर वर्ल्ड का। जैसे आपने अभी न्यूज सुनी होगी कई सारी की चाइना साइबर अटैक कर रहा है, या ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि साइबर अटैक्स हो सकते हैं ड्यू टू कोविड-19 के कारण। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या सिनेरियो है, क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है इन दी अपकमिंग ईयर्स अराउंड 2020। कई सारे अराउंड आप कह सकते हैं कि 6 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सो लेट्स मूव। सो कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसे टर्म सुने होंगे, यूजर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कुछ लोगों को पता होगा ये क्या टर्म्स है, क्या काम आता है, किस फील्ड में है। सो ये पूरा आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम कर रहे हैं, अब उसकी सिक्योरिटी हमें कैसे देखनी है, डाटा कहाँ से किस तरह जा रहा है, ऑनलाइन सिक्योरिटी हो रही है, ऑफलाइन है। सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू एंड वी विल थ्री चेक। ओके, सो पहले बिफोर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, सिक्योरिटी क्या है एक्चुअली, बिकॉज हम कहीं पर भी जा रहे हैं या कुछ भी, तो सिक्योरिटी एक ये जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही हो, फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है, फूड सिक्योरिटी भी। अभी रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड में देखे तो हेल्थ सिक्योरिटी सबसे वन प्रायोरिटी पर है, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से हर कोई सहमा हुआ है, हर कोई मास्क लेके घूम रहा है, सैनिटाइजर यूज कर रहा है, तो वो भी एक तरह की सिक्योरिटी है। ओके, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंदर एक टर्म आता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और फिर उसके एक पार्ट है हमारा सिक्योरिटी जो ऑनलाइन और इंटरनेट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। सो अगर आप डेफिनेशन देखें सिक्योरिटी, विकिपीडिया भी कुछ इस तरीके से दी है, इज अ फ्रीडम फ्रॉम अ रिजिलेंस अगेन पोटेंशियल हार्म कॉज बाय अदर्स और बेनिफिशियरी ऑफ सिक्योरिटी मे बी ऑफ पर्सन और सोशल ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, इकोसिस्टम और एनी अदर एंटिटी और फिनोमेना वल्नरेबल टू अनवांटेड चेंजेस। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि अगर हमारे सराउंडिंग एरिया में अगर हम सिक्योर ना फील करें, तो दैट्स काइंड ऑफ वी रिक्वायर्ड एनी सिक्योरिटी, जो हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। ओके, सो सिक्योरिटी टाइप्स आप किस तरह के हो सकते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी में हमारा कुछ लोग बॉडी गार्ड रखते हैं, जैसे फिल्म स्टार हो गए, हाई ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ये सब क्या है हमारे फिजिकल सिक्योरिटी, बॉर्डर लाइन सिक्योरिटीज हो गई हमारी। देन पर्सनल सिक्योरिटीज में अब हमें किसी से खतरा या किसी ने हमें धमकी दी है, जान से मारने किस तरह के कभी फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं, तो उस टाइम पे हम पुलिस ऑफिसर को जाकर बताते कि किसी ने हमें धमकी दी है, किसी ने कॉल किया, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हमें पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए और आर सेफ्टी। ऑपरेशन सिक्योरिटीज हो गए जो हम लोग कंपनीज में काम करते हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्टील कंपनीज हो गई, कॉपर है, कोल कंपनी, उस टाइम पे जो ऑपरेशन हो रहा है, तो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, फैक्ट्रीज में कैसे काम हो रहा है, तो वो सब की सिक्योरिटी देखना वो पार्ट है। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एक्चुअली ये रिलेटेड है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, या जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो वो किसी को सुनाई ना दे या कोई सर्वेलांस में ना रख, तो दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। देन नेटवर्क सिक्योरिटी आता है आपका, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जहाँ पे हम एक सिस्टम कैसे दूसरे सिस्टम से काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, ये हमारा डाटा से रिलेटेड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ऑफलाइन है, पेपर वर्क हो गया, वो सब चीज़। होम सिक्योरिटी, हमारी होम सिक्योरिटी होगी,
अब वो कुछ भी हो सकती है। मे भी अब हम चाहे तो गेट के ऊपर एज ए फिजिकल तो डॉग, कुछ लोग कुत्ते रखते हैं, एज अ पेट की तरह भी होता है, वो हमारे घर की सुरक्षा भी करता है। दैट्स अबाउट देन। बॉर्डर सिक्योरिटी करंटली सिनेरियो हम जानते हैं, इंडिया में किस तरीके से चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच में, तो वो भी एक काइंड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी पता है आप लोगों को भी कि खाने के अगर हाइजीन हम सही से ना रखें, देर इज ए चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग हो सकता है या पेट खराब हो सकता है, ये सब एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गई और बाकी और भी सिक्योरिटी है। देन अगर मैं जो मेन मकसद है सिक्योरिटी हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, तो वो तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारा होता है CIA थ्रेट, या हम कहते हैं कि जो हमारी न्यू है सिक्योरिटी, उसे कहते हैं पिलर ऑफ सिक्योरिटी। सो वो है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। उसके अलावा चार और चीजें हमारी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी और एसेसिबिलिटी। ये जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर इससे पहले हम पहले देख लेते कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि अगर कोई दो आदमी या बच्चे बात करें दूसरे से, तो उनके बीच की जो भी बात है वो किसी थर्ड पर्सन या किसी तीसरे आदमी को ना पता चले, तो वो हो गया हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी कि हमने कॉन्फिडेंशियल रखा है, सीक्रेट है। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो आता है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि मैंने जैसे ईमेल ले लेता हूँ एज एग्जाम्पल। अब हमने कोई ईमेल मैंने आप किसी एक पर्सन को भेजा, तो अब वो ईमेल बस हम ही दोनों को पता है, बट उस बीच में किसी हैकर ने या किसी पर्सन ने पता कर लिया कि क्या जा रहा डाटा या क्या मैसेज है, तो उस चीज़ को हमें मेंटेन रखने के लिए उस टर्म को हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी। उसके बाद आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है सिंपल कि हम जब चाहें जिस सर्विस को यूज करना चाहें उस टाइम पे वो सर्विस अवेलेबल हो, दैट्स कॉल्ड द अवेलेबिलिटी। उसके बाद है हमारा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। तो इसको हम, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जीमेल का। जीमेल के लिए हमें जो ईमेल आईडी बनानी है, उसके लिए हमारे के लिए क्या जरूरत है, एक तो यूजर नेम, वो हमारा या तो ईमेल आईडी हो सकता है, या दूसरा हमारा पासवर्ड। ये दो चीज जब तक नहीं है हमारे पास तब तक हम लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक और नया चीज आ चुका है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो अगर किसी ने, अगर आपने ईमेल आईडी पे अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया, तो ये मेरा सजेशन है कि आप लगा लीजिए, एक लेवल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है हमारा कि हमारे पास पासवर्ड है तभी हम लॉग इन कर सकते। ऑथराइजेशन में पासवर्ड, तो जब तक वो मैच नहीं होगा, जब भी हमने लॉग इन किया तब, यानी कि जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। और ऑथराइजेशन है कि जब तक हमने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, कि मान लीजिए ये भी हो सकता है कि आपने अपने दोस्त को यूजर नेम बता दिया या ईमेल आईडी बता दी, तो वो मे बी चांस हो सकता है कि ट्राई कर सकता है यूजर नेम से पासवर्ड बिना हाई टेन ट्राई करते हुए। तो उस चीज को बचने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑथराइजेशन। सो वो ऑथराइजेशन जीमेल के थ्रू होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हम कितने इजी तरीके से सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, सो उस चीज को हम लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब बात आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि अगर इंग्लिश टर्म में हम कहें तो इट इज रिलेटेड टू योर एसेट और डाटा। अब डाटा मेनली हम इंटरनेट पे देखे तो डाटा क्या हो सकता है, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस हो गया, फोटोज हो गए हमारे, वीडियोज हो गए। अब इसके अलावा जो हमारे पेपर वर्क है, कंपनीज के पेपर वर्क है, जैसे लोन है, इंश्योरेंस है, पर्सनल पिन आईडी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, तो ये सब एक तरीके से पूरा कंबाइन होकर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट है। अब ये सब चीज हमें जरूरत है, बिकॉज इसके बिना हम ऑन द वे काम नहीं कर सकते, पेपर डॉक्यूमेंटेशन। अब इसकी सिक्योरिटी हम लोग को कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग मैं कुछ चीज बनाई है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए हैं, ट्रेनिंग्स भी कुछ लोग देते हैं, एजुकेशन भी है,
और टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको कैसे हम प्लेटफॉर्म में यूज करें, तो दैट इज फॉर ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसके बाद यही चीज था जो मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि जो हमारा न्यू है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो प्योर डिपेंड करता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो अभी तक जो भी आपने कोई भी कंपनी देखी होगी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब इसी तीन चीज को मेंटेन करने में ही पूरी अपना फुल रिसोर्सेज यूज करने में लगा देते हैं। मनी हो गया हमारा, एसेट्स हो गया, इसी को सिक्योर करना, इसी को मेंटेन करने में हमारा पूरा टाइम जाता है। एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल हम इसी तीन चीज को मेंटेन करने में अपना वक्त बिताते हैं। अब उसमें हैकर्स हो गए, कुछ चीजें वो हैक करने की कोशिश करते हैं, तो एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम चाहेंगे कुछ कैसे सिक्योर कर सकते, ये चीज है। ये एक इंफोग्राफिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं कि अब सिक्योरिटी के अलग अलग टाइप्स हैं। इसके अलावा तो आप यहाँ पे जो सबसे पहले आप देखेंगे वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, जो भी हमारे पेपर वर्क है, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज हो गई, जैसे ISO है, NIST है, कंप्यूटर और डाटा सिक्योरिटी। अब उसके अंदर एक सिक्योरिटी आती है जो है हमारा कंप्यूटर रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी मेनली जो है हमारा इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें जो भी हम लोग एक्टिविटी ऑनलाइन परफॉर्म कर या कोई फ्रॉड हुआ ऑनलाइन, वो चीज़ रहता है हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और उसके और छोटा पार्ट में अगर जाएंगे तो आता है हमारा सिस्टम सिक्योरिटी, जैसे किसी ने पासवर्ड हैक कर लिया या किसी ने हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लिया वायरस फॉर्म के थ्रू, तो वो हो गया हमारा सिस्टम सिक्योरिटी। और उसके और अंदर आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिटी में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वाईफाई हैक किया या किसी ने मेरा ब्लू फोन हैक किया और उसके थ्रू एक्सेस कर रही मेरी चीज़ें या वेबसाइट किसी ने हैक कर ली, तो वो पार्ट आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद है हमारा साइबर सिक्योरिटी ओवरव्यू, जो हमारा जो और आगे इस पूरे शॉर्ट टर्म कोर्स में आप इस पूरी चीज़ को पढ़ेंगे वन बाय वन, कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे काम हो रहा है। तो इसमें से है साइबर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट है एक ओवरऑल फुल टेक्नोलॉजी में। अगर आप एक पर्सपेक्टिव So cyber security is all about internet, digital platform, हम जो भी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, डेबिट कार्ड से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, यहाँ तक कि हम लोग तो जोमेटो और स्विगी से खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ छेड़छाड़ हुई या किसी ने फ्रॉड किया, ऑर्डर हो गया बट ऑर्डर आया नहीं, दैट्स ऑल कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी ने फोटो लीक कर दी या कोई मेम्स बना के जेएफ बना के जोक बना रहा है हमारे फोटोज का, तो वो सब हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा से रिलेटेड। अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म में के द्वारा जो भी क्राइम हो रहा है, ये जो भी चीज सिक्योरिटी दे रही है, वो होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी पार्ट। तो अब इसमें आता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट का मतलब हो गया कि पॉसिबल कारण्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके थ्रू हमें नुकसान पहुंच सकता है या हमारे जो डाटा ऑनलाइन डाटा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे हमारे मेलिशियस इनसाइडर्स, टेररिस्ट हो गए या एक्टिविस्ट है, ये सब चीजें। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें हमारे पास जो आते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर कई सारी चीजें, तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा एक टर्म आता है मालवेयर।
अब मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली क्या करता है, गलत कामों के लिए प्रोग्रामर्स या हैकर्स बनाते हैं। अब इसका क्या क्या यूज हो सकता है, इसमें भी हमारे पास कई सारे टाइप्स आते हैं, अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट में दिखाऊँ तो। मालवेयर के अंदर आपने जैसे जो फेमसली यूज या सुना होगा, उसमें से सबसे पहले तो वायरस है। तो वायरस का एक्चुअली काम क्या है, ये एक तरह के मेल्स सॉफ्टवेयर है, और जब भी ये हमारे सिस्टम पे एंटर होता है तो अपने ही फाइल्स को क्या करता है, रेप्लीकेट करता है। रेप्लीकेट मतलब अपने ही कॉपीज बनाते जाएगा और हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा या कोई डायरेक्टली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। उसे हम लोग कहते हैं वायरस। उसके बाद आता है हमारा स्क्रीन लॉक रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आजकल ज्यादा है ट्रेंड में, बिकॉज ये मेनली उस वेबसाइट से डाउनलोड होता है, जैसे हमारे टॉरेंट हो गया या अननोन वेबसाइट है या जो एड्स आते हैं उसके थ्रू। तो उसके थ्रू जब भी हम लोग कुछ अननोन वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो साथ में ये रैंसमवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है, और ये क्या करता है कि हमारे जितने भी फाइल्स हैं उस फाइल सिस्टम को, जैसे हमारा जेपीजी होता है, पीएनजी फाइल्स हैं, उन सबको एक अलग फाइल में इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट का मतलब क्या है, एक तरह का लॉक लगा दिया, और लॉक लगाने के बाद हमें उसके लिए की चाहिए, बिना ताले के तो चाबी खुल नहीं सकता, सॉरी बिना चाबी के तो ताले खुल नहीं सकता। सो सेम चीज रैंसमवेयर भी वही काम करता है कि हमारे जितने भी फाइल्स हैं उन सबको एनक्रिप्ट कर देगा, और इनक्रिप्ट करने के बाद हमें उसके लिए की चाहिए, तो वो की तो मिल नहीं सकती। उसके लिए क्या करते हैं, हैकर्स पैसे मांगते हैं उसकी के लिए। तो उसी के लिए जब तक हमने पैसे नहीं पे किए, तो जब तक वो हमारा डाटा लॉस्ट हो गया, या कह सकते हो कि हमें डाटा वो नहीं मिल सकता। अब अगर मैं यहाँ पे आप बताऊँ किस तरीके की चीज़ें, तो कुछ तो इस तरह के इमेजेस है प्रैक्टिकल बेसिस। तो जो 2017 में वाना कराया था एक तरह का कंसर्न पे, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी स्क्रीन लॉक हो जाती है, और लॉक होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, योर फाइल हैज बीन इनक्रिप्टेड, और आपके पास इतना टाइम है, अगर आपने पैसे नहीं भेजे, अराउंड कुछ लोग $300 मांगते हैं, $500, कुछ $1200 भी मांगते हैं, और ये जो पैसा ट्रांसफर होता है वो बिटकॉइन में होता है, ये एक तरह की आपकी क्रिप्टो करेंसी है जिसके थ्रू पैसे ट्रांसफर होता है। तो इसके थ्रू अगर हमने पैसे नहीं लिए तो हमारा डाटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी भी अननोन वेबसाइट या अननोन लिंक के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर या कोई क्रैक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये एक मालवेयर का एक टाइप। उसके बाद फिर हमारा ट्रोजन हॉर्स आता है। तो ट्रोजन हॉर्स भी क्या करता है, एक तरह का वायरस टाइप है जो इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम में, और स्टिल मोड में ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम एज ए बैकडोर ये काम करता है। ये मेनली ईमेल के थ्रू आता है, फिशिंग मेल के थ्रू आता है, और जैसे एड्स हो गए या किसी ने लॉटरी जीत ली, इस तरह के ईमेल्स भी आते हैं, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको अगर इंश्योरेंस कराना है, उसके थ्रू ये सब मेनली की ट्रोजन हॉर्स होता है। जब भी अगर हमने इंस्टॉल किया कुछ या इमेज पे क्लिक किया, ये एज अ इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में, और हमें पता भी नहीं चलेगा, इवन एंटीवायरस स्कैन नहीं कर पाते कुछ एंटीवायरस। तो ये हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन हैकर को देता रहता है जब भी इंटरनेट से कनेक्ट हो। अब हमारे सिस्टम में कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल है, क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी चीजें वो सब क्या होता है इसी की जरूरत। ओके, सो ये है हमारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का एक पार्ट, जिसमें हम कई सारी चीजें हैं वो पार्ट आता। अभी अगर हम देखें लेटेस्ट ट्रेंड में, सो 2019 या 2018 तक का जो है, सो ये जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स एट वेक्टर्स, जिसमें जो सबसे पहले पर है मालवेयर है, देन उसके बाद वल्नरेबिलिटी है, कई सारे लोग अननोन वल्नरेबिलिटी आती है, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स सिस्टम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वल्नरेबिलिटीज रहती है, बिकॉज ये भी एक तरह का क्या है, पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसको किसी ना किसी प्रोग्रामर ने ही लिखा है, तो हजारों नंबर ऑफ लाइन्स के कोड्स हैं इसके अंदर,
वो सब चीज क्या होगी, हमें देखना पड़ता है कि किसी लूप कहीं कुछ लूप होल तो नहीं रहेगी या कुछ बग तो नहीं रहेगी, क्योंकि अलग अलग है। अकाउंट हाईजैकिंग एक है टर्म, अकाउंट हाईजैकिंग का मतलब है कि जी एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं, वेबसाइट में हम लोग जब भी लॉगिन करते हैं तो हमारा एक सेशन क्रिएट होता है, जैसे हमारी IRCTC वेबसाइट है या ऑनलाइन बुकिंग कोई और वेबसाइट है जिसमें हम लोग ने लॉगिन किया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम उसे बुक करके पेमेंट कर सकते हैं, वरना क्या होता है कि वो टाइम सेशन खत्म हो जाता है, हमें वापस दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेबसाइट इस फीचर को इनेबल नहीं करती या सेशन मैनेजमेंट का काम नहीं करती, वहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट की कुकीज स्टोर होती है और उस कुकीज का हम लोग स्टील करके कहीं और भी लॉगिन कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर सेम टाइम। सो उस चीज उस प्रोसेस को हम लोग अकाउंट हाईजैकिंग कहते हैं। सो ये मैकैफे जो हमारा कंपनी है सिक्योरिटी कंपनी, उसके हिसाब से ही स्टैटिस्टिक्स है। देन हमारे सो ये भी आप देख सकते हैं 2019 का जो स्टैटिस्टिक्स है कि अलग अलग अटैक्स किस तरीके हुए हैं। ये नेटवर्क का पार्ट है जिसमें हम लोग अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, DNS, सिंक है, ये नेटवर्क लेयर पे जो अटैक्स हो गए हैं। तो मेनली जो हमारे गेमिंग सर्विसेज हैं, जितने भी हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जैसे स्टीम के ऊपर काउंटर स्ट्राइक हो गया, पबजी हो गया, उसमें भी अटैक्स हो रहे हैं बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग चल रही है तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डाटा क्या हो रहा है, हमारा शेयर हो रहा है। तो कुछ लोग क्या है कि क्रैक वर्जन यूज करके गेम खेलते हैं, तो वो सब का एक अटैक कर रहा है। देन हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विस में जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट में जितने भी हमारे बैंक्स हैं उसमें भी कुछ ना कोई ट्राई करता रहता है कि किसी का अकाउंट हैक करके उनके ना पैसे लुटाए हैं। तो ये एक तरह का स्टैटिस्टिक दिया हुआ अलग अलग वेल्यू का कैसे अटैक होता है इस प्रोटोकॉल के। देन अभी जो करंट सिनेरियो में चल रहा है वो ये सब है न्यूज, ये कल की न्यूज है ऑनलाइन, ये ट्विटर पे है कि फेडरल पुलिस ने क्या किया अटैक हो गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलियन जो है साइबर अटैक पॉसिबल था। हम लोग गवर्नमेंट ने वॉर्न किया कि पॉलिटिक्स कंपनीज या पार्टीज हो गई या प्राइवेट बिजनेसेस है कई जगह अटैक हो सकते हैं पॉसिबल, तो अटैकर्स भी कितना कुछ देख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इंडिया के अंदर है NDTV ने बताया था जो परसों की न्यूज हुई, तो ये सब चल रहा है बिकॉज अभी क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। सो वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि हर कोई अपने लैपटॉप से एक्सेस करेगा जो भी ऑफिस के काम हो गए या जो भी हमें ऑनलाइन काम करना, इसके वजह से क्या हो कि इंटरनेट यूजेस बढ़ गए, हर कोई इस वक्त इंटरनेट पे ही बिजी है। कुछ लोग नेटफ्लिक्स देख रहे, कुछ यूट्यूब देख रहे, कुछ लोग टिकटॉक देख रहे, तो ये सब क्या ऑनलाइन इंक्रीज हो रहा है एक्टिविटी हमारी, ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा, कुछ लोग गेम खेल रहे कंटिन्यूस, तो अटैकर्स के पास भी चांसेस क्या हो रहे हैं बढ़ गए। तो वो सब अटैक्स के कैसे पॉसिबल है वो सब चीज़ें न्यूज़ में दी, तो ये भी हाल फिलहाल की चीज़ें। देन ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी न्यूज़ है, न्यू 9 न्यूज़, उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर पॉसिबल है टारगेट कि यहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं। तो ये करंट सिनेरियो है इंडिया और ओवरऑल भी वर्ल्ड में चल रहा है। एक और न्यूज है जहाँ पे फिशिंग मेल्स पब्लिश हो सकता है कई सारा ईमेल्स, तो ये सब चीज़ देखते हैं आगे कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि फिशिंग मेल क्या होता है या मैं कहूँगा स्कैम पार्ट क्या होता है। स्कैम मेल्स आते हैं हमारे पास जैसे फिशिंग मेल आता है, तो ये टर्म है क्या एक्चुअली फिशिंग मेल्स। सो अगर इसको मैं तोड़ू तो मेल अगर मैं हटा दूँ तो फिशिंग क्या है। फिशिंग अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से है कि कैचिंग, हम क्या पकड़ रहे हैं फिश पकड़। ओके, अगर मैं फिशिंग का असली जो मीनिंग है वो बताऊँ तो कैचिंग फिश, फिश का मतलब है कि जो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट आता है उसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग फिशिंग मछलियाँ पकड़ते हैं।
वही सेम चीज के ऊपर क्या गया है कि ये टर्म रखा है फिशिंग में, तो ये जो हमारा आता है ये वाली जो है काटा आता है जिसके थ्रू हम लोग मछलियां पकड़ते हैं। अब यही चीज क्या गया है कि टेक्निकल टर्म में, कि अब ईमेल्स तो कई सारे पूरे वर्ल्ड में, हमें तो पता नहीं किसी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। ओके, तो अब क्या है कि अटैकर को पता नहीं कि अननोन किस तरह से हो सकता है। तो जैसे मैं अपना जीमेल खोलता हूँ, यहाँ पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट के आते हैं, कई सारे प्रमोशन के आते हैं, कई सारे इंश्योरेंस के आता है हमारे पास। ओके, सो ये सब चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पे गए, स्पैम फोल्डर आता है जीमेल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश सेल चल रहा है किसी चीज का। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा है रिपोर्ट टू स्पैम, बाय डिफॉल्ट ये गूगल सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे पास आ गया है टोटल, तो इस तरीके के मेल आ रहे हैं। तो कंपनीज में भी इसी तरीके से हमारे, अब ये फ्लैश सेल जैसे हो गया, तो इसमें क्या है कि एनरोल किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट $10,000 के आसपास में कुछ चीजें ले सकते, प्रीमियम लाइसेंस है हमारे पास, बोला पार्ट है, तो ये सब चीजें क्या है हमारे पास आ रही है। ओके, तो अब ये अब ओरिजिनल है कि नहीं है पता नहीं, ये आ रहा, तो इस तरीके से चीजें अब आ रही। अब हमें कैसे पहचानना है कि ये फिशिंग मेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्वेश्चन ये तो अराइज होगा। बिकॉज कुछ चीजें तो जैसे होगा कि अब ये जैसे किसी ने अपना प्रमोशन के लिए भेजा है कि हाई टीम एंगेज विद वेबसाइट एंड मोबाइल, तो एक कोई मोबाइल और वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है जो रशिया और यूक्रेन बेस है, तो इसने अपनी कंपनी का प्रमोशन दिया, तो ये मे बी कॉन्टेक्ट बेस पे भी हो सकता है या एज ए प्रमोशन बेस पे भी हो सकता है। ओके, तो अब हमें कैसे पहचानना है कि ये ओरिजिनल है या किसी ने फेक बना के भेजा है, क्वेश्चन ये अराइज होगा। तो जो हमें फॉलो करनी है चीजें, सबसे पहले जैसे मैंने ये कहा, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन से चार चीजें जैसे हो गई कि किसके थ्रू ये मेल आ रहा है। अभी admission@mycafeinstitute.com, ओके, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है मेलिंग लिस्ट आ रही है, अभी मेलिंग लिस्ट तो कुछ अननोन है। ओके, ये पार्ट है, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी लगी हुई है, ये लगता है, तो ये तीन चीज है। इसके अलावा जो हमें चेक करना है वो है यहाँ पे 3 डॉट आता है, ये एक्चुअली डेस्कटॉप वर्जन पे ही आएगा, और ये लैपटॉप भी आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँगा तो ये 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, इस 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है, देन यहाँ पे जाना है शो ओरिजिनल। तो शो ओरिजिनल पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें जो मेल आईडी है, जो मेल आया उसका क्या होगा, बैक एंड का ओरिजिनल पार्ट हमें पता चल जाएगा, जो बैक एंड का ओरिजिनल है रॉ पार्ट होता है, ये पूरा ईमेल है जो बैक एंड में इस तरीके से है। तो अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे आपका देखिए आई गया मैसेज आईडी किसके थ्रू में आई है, कब आई है, डिलीवर कब हुआ है, किसके थ्रू आया है और किसको हुआ है, सब्जेक्ट क्या था, आईपी एड्रेस हमें मिल गया, ये वाली पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये चीज। अब हमें आइडिया ये लगाना है कि इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ये पूरा पार्ट है ईमेल हेडर एनालिसिस का। तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, जैसे ये है तो हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड, या आप चाहो इसको पूरा का पूरा स्टेज से कॉपी कर लो, जैसे भी बहुत बड़ा है तो इसकी तरफ से कॉपी को क्लिक करना, देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना ईमेल हेडर एनालिसिस, ईमेल हेडर एनालिसिस में हमारे पास ये सब है। एक तो ये वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली ओरिजिनल डोमेन या ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, बस पेस्ट कर देना, ये पूरा हमारी मेल आईडी पेस्ट हो, और यहाँ पर हमें एनालाइज करना है।
आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम मिला, एक तो ये देखिए ये टोटल चीजें ग्रीन नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तभी क्या हुआ कि गूगल ने इसे स्पैम फोल्डर में रखा। उसके बाद हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये किसके थ्रू आया है, ये टाइम पीरियड हो गया कब से कब, कहाँ से कहाँ जमा किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये SPF रिकॉर्ड है हमने चेक करें। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन, ये डोमेन नॉट फाउंड, इसका मतलब जो डोमेन जिसके जरिए मिला है वो एक लेवल क्या है कि नहीं फाउंड है वो वाला कार्ड। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए रेड कलर का है। तो जितनी चीजें हमें पता चल रही है रेड नहीं है, दैट्स मीन देयर इज एन काइंड ऑफ मैलिशियस थिंग, यहाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो ये चीज हमें क्या है कि इस तरीके से एनालिसिस करके। सेम इसी तरह से एक और वेबसाइट है आपकी, देखो यहाँ पर हम इसी चीज को पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम समझ। ये भी हमें एनालिसिस करके देगा कि जो हमें मेल आया है वो सही डोमेन से आया है या किसी ने फेक बना के भेजा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रिप्शन, ये यूनाइटेड स्टेट से आया है, आईपी एड्रेस ये रहा, फिर ये दोबारा जंप किया है आईपी एड्रेस, जो एज ए नेम फ्रॉम है द रॉकेट साइंस करके कुछ नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे इंक्रिप्शन बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है, पुअर। ओके सो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीज हम एनालिसिस करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो फॉलो नहीं हुए, दैट्स द रीजन कि ये स्पैम फोल्डर में गया। ओके सो ये सब चीज हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं। और इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, ये सब चीजें आता है कि रिसीव कहाँ से हुआ, मीडिया कहाँ से, तो ये हम लोग फॉरेंसिक पार्ट में करते हैं, किसी ने जब हमें भेजा। ओके सो ये किस तरीके से हम एनालिसिस करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं एक लेवल। और अगर आपको इसी तरीके से और भी चीज़ें देखनी है तो मैं भी, आप अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे काम होगा, आप क्या कर सकते हो, फिशिंग गेम करके भी पास, जैसे कि ये है फिशिंग क्विज करके, तो इसमें क्या है कि आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया अपना ईमेल आईडी लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि हमें बताना है कि ये लेजिमेट मेल आई है या फिशिंग मेल है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एनालिसिस करना है कि डोमेन सही है। उसके अलावा जब यहाँ पे हम आते हैं तो जिसके थ्रू मुझे भेजा है अभी टाइम उतना इतना। अब उसके बाद यहाँ पे इसने कंटेंट भेजा है, लुक रहा है शेयर ऑफ डॉक्यूमेंट, एक किसी ने लुक नाम का एक इंसान है जिसने कहा कि एक पर्टिकुलर बजट हमें डिपार्टमेंट का कुछ इस तरह का भेजा होगा। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में नीचे, सॉरी लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे लिंक आ जाएगा। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है बट आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक आ रहा है माउस ओवर करने का, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन एंड देखो, यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम है ये चीज। ओके सो इसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि लेजिमेट है या फिशिंग है। ओके सो हम कहते हैं कि चलो लेजिमेट है, हमें मुझे कुछ नहीं होता ना, मेरे हिसाब से तो ये सही लगेगा। ओके तो अब इसने क्या जवाब दिया कि दिस इज एक्चुअली फिशिंग है, जबकि सब चीज तो सही थी। ओके तो अब चेक करते हैं कि ये फिशिंग क्यों है। अब जैसे मैंने शो किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने माउस ओवर किया तो जो डोमेन आ रहा है मेल आईडी हमारी, वो ड्राइव डैश डैश डॉट गूगल डॉट कॉम आ रहा है। इसका मतलब जब मैं, अगर हम लोग ड्राइव खोलते तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइव अपनी खोली, जो ईमेल आईडी होती है वो होती है हमारी ड्राइव डॉट ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम। सो ओरिजिनल जो है हमारी है डोमेन कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से। तो ये जो डोमेन है वो ये है drive.google.com, बट इसमें क्या लिखा है इसने, तो ये चीज है। अब जब मैंने यहाँ पे किया डैश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइव हाइफन हाइफन या डैश डैश लगा के google.com लिखा है। तो यहाँ पे जो डोमेन लिखा है वो कुछ इस तरीके से https://drive-google.com। ये एकदम छोटा सा माइनर चेंज है यहाँ पे, और इसी माइनर चेंज की वजह से क्या होता है, हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जबकि हमें तो अवेयर है ये चीज। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करते हैं हैकर्स लोग, इसी छोटी चीज को क्या बदल दें। अब ये दोनों चीज तो क्या अलग सेम है, तो कोई इतना ध्यान देता नहीं है इन चीजों को। और मैंने क्लिक किया और जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया तो मेरा सिस्टम क्या होगा, हैक हो जाएगा या तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये चीज को क्या क्या हमें ध्यान रखना, तो ये एक अवेयरनेस पार्ट का है जिसमें हमें पता करना है कि फिशिंग कैसे हो रहा है और किस चीज से हमने काम किया। ओके, तो ये एक वेबसाइट है फिशिंग क्विज विद गूगल, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल फिशिंग गेम। तो इस तरीके का और भी वेबसाइट है जो गेम्स कर रहा है, तो जिसकी थोड़ा हमें अवेयरनेस पता चलेगा कि चीजें तो एकदम सेम दिख रही है बट उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिशिंग है कि नहीं। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज में है तो आपको कोई इम्पोर्टेंट मेल है, उसको हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते इसकी। ओके हेलो, तो ये करंट सिनेरियो है कि हमें यहाँ पे दिया गया है, न्यूज़ आई थी कि फार राइट एक्सट्रीम तो अराउंड 25,000 ईमेल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं या ऐसे। सो अब आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि है क्या।